प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलते हुए कश्मीरी पंडित भावुक हो गए। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा कश्मीर के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की, पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कश्मीरी पंडितों से मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के एक सदस्य ने पीएम मोदी के हाथ को चूमते हुए कहा कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन लोगों ने जो कष्ट झेले हैं वो कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों ने नमस्ते शारदे देवी श्लोक का पाठ किया। इस दौरान पीएम मोदी काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगेन नमो नमः। कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करते हुए सुरिंदर कौल ने कहा कि कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले के लिए हमने दुनिया भर में 7 लाख कश्मीरी पंडितों की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। हमने आश्वासन दिया कि कश्मीर के लिए आपके सपने को पूरा करने के लिए हमारा समुदाय सरकार के साथ ही काम करेगा। गौरतलब है कि ह्यूस्टन दौरे से पहले अमेरिका के एक सीनेटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिंसक घटनाओं के कारण विस्थापित कश्मीरी पंडितों की स्वदेश वापसी की मांग भी उठाई थी। सीनेटर शेरार्ड ब्राउन ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के स्वदेश के सपने से पुनर्वास की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर तेजी से काम होना चाहिए। ब्राउन ने अपने पत्र में लिखा था कि जम्मू कश्मीर के हालिया घटनाक्रम के बाद मैं फिर कश्मीरी पंडितों के स्वदेश वापसी का समर्थन करता हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन शहर में सिख समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और भारत के विकास में अपने योगदान का भरोसा दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में बोहरा समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर बधाई दी और ये ज्ञापन भी सौंपा। सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपते हुए 1984 के सिख दंगों, दिल्ली एयरपोर्ट का नाम गुरु नानक देव के नाम पर करने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और आनंद मैरिज एक्ट, वीजा एवं पासपोर्ट जैसे मुद्दों पर बोलने का अनुरोध किया। इस दौरान कैलिफोर्निया के अरविंद के कमिश्नर अरविंदर चावला ने कहा कि सिख समुदाय के लोगों के लिए कामों और करतारपुर कॉरिडोर के लिए धन्यवाद दिया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी मेगा शो में शामिल होंगे। ह्यूस्टन में एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें, पीएम मोदी एक सप्ताह के अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन पहुंचने के बाद सबसे पहले तेल कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को विस्तार देने के उद्देश्य यह बैठक की गई। बैठक के दौरान भारतीय कंपनी पेट्रोनेट और अमेरिकी कंपनी टेलुरियन के बीच 5 मिलियन टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस आयात करने का समझौता हुआ। इस बैठक में 16 कंपनियों के सीईओ मौजूद रहे और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अमेरिका में पीएम मोदी जो जो कार्यक्रम करेंगे उसे आप लोकसेवा न्यूज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।